शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में और वर्ड्स कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं लेक्चर आज का। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उर्दू में जो हम पढ़ते हैं अलिफ बा पा ता ये तक, ये सारा कहलाता है हरूफ तहजीब। लेकिन जब इंग्लिश में आते हैं तो ए टू जी, इनको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। लेट्स स्टार्ट। अल्फाबेट्स जो है वो ए टू जी, मतलब ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये जितने भी हैं इन सब को कहते हैं अल्फाबेट्स। और ये होते कितने हैं? ये होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मैनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, देन यू विल से टू हिम देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। अब इन अल्फाबेट्स जो है ए टू जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है वो है वॉवल्स, जिनको वॉवल्स भी कहते हैं, वॉवल भी कहते हैं। ये होते हैं पांच, जैसे कि ए ई आई ओ यू। पांच को अगर निकाल दें 26 में से तो बाकी कितने बचेंगे? 21। अब 21 जो है इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को उर्दू में कहते हैं हरूफ सही, और वॉवल्स को कहते हैं हरूफ इल्लत। अब 21 जो कॉन्सोनेंट हैं ये कौन कौन से हैं? अगर हम ए ई आई ओ यू को निकाल दें अल्फाबेट्स में से तो बाकी सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अब हमारा जो लफ्ज है वो कैसे बनता है? अब देखिए ए टू जी ये सारे के सारे कहलाते हैं लेटर्स। क्या कहलाते हैं? लेटर्स। लेटर्स को हम कहते हैं हरूफ। एक होता है लेटर खत, लेकिन यहाँ पर लेटर क्या है? हरूफ। अब एक लफ्ज है मैं कहता हूँ असलम। अब असलम में ए जो है ये भी लेटर है, एस जो है ये भी लेटर है, एल जो है ये भी लेटर है, ए भी लेटर है, एम भी लेटर है। अब जब ये लेटर्स आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? वर्ड बनाया। सो वी कैन से दैट व्हेन लेटर्स ज्वाइन टुगेदर इट मेक्स वर्ड। क्या बनाया? वर्ड। लेटर्स से वर्ड बना। अब मैं कहता हूं असलम राइट्स अ लेटर, असलम खत लिखता है। अब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जुमला। सो वी कैन से दैट व्हेन वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर इट मेक्स सेंटेंस। अब ये सेंटेंस डिफरेंट सेंटेंस जब आप गिनते हैं फिर क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। दोबारा सुन लें, कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। 5 क्या है? वॉवल्स हैं। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। और ए टू जी ये सारे क्या कहलाते हैं? लेटर्स। जब लेटर्स मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? लफ्ज बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जब सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या है इंग्लिश का? सो लेट्स स्टार्ट। उर्दू में जो हमारा फार्मूला होता है वो है एस ओ वी, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा।
लेकिन इंग्लिश का जो फार्मूला है वो है एस वी ओ। अब एस क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। और फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला मतलब डूअर, काम करने वाला। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? फाइल। वी क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? खुद काम। खुद काम कैसे? जैसे खाना पीना सोना लड़ना जागना उड़ना सोचना, ये सारे क्या है? ये काम है। अब ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए। मैं कहता हूं कि अमजद कार चलाता है। अब चलाने वाला कौन है? अमजद है। अमजद क्या हुआ? सब्जेक्ट। चलाना जो है ये उसका वर्ब है, काम है। किसको चला रहा है? कार को। तो कार क्या हुई? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। लाइक दैट मैं कहता हूं असलम टेक्स टी। अब इसमें से असलम क्या हुआ? सब्जेक्ट। टेक्स क्या हुआ? वर्ब। टी क्या हुई? ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आप समझ आ गई होगी फार्मूला इसका क्या है। एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, मजीद बताऊंगा आपको कि पार्ट्स ऑफ ईच क्या होते हैं और उनको फर्दर इंडिविजुअली उसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको समझा के बताऊंगा उसको आपने कैसे यूज़ भी करना है। थैंक यू।